सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ ऑप्टिमस गेमिंग। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट टू फिंगर कस्टम एचयूडी के बारे में। अब अगर आप कस्टम रूम्स खेलते हो, रैंक खेलते हो या टूर्नामेंट खेलते हो, तीनों जगह पे आप इस कस्टम एचयूडी को यूज कर सकते हो। तो ये वाला कस्टम एचयूडी बहुत ही ज्यादा ओपी होने वाला है एंड टू फिंगर के लिए बेस्ट होने वाला है। सो इसीलिए आज की ये वाली वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है। सो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, और जो भी चैनल पे नया आ रहा हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल वाला आइकन दबा देना और एक शेयर जरूर से करना, क्योंकि इस टाइम पे चैनल बहुत ज्यादा डेड हो चुकी, क्योंकि मैं बहुत टाइम से कोई वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा था। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड शेयर भी जरूर से करना। सो चलो आज की इस वीडियो को यहीं पे स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं अपने मेन फायर बटन के ऊपर, क्योंकि इसके रिगार्डिंग बहुत ही ज्यादा डिमांड होते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे ना, इसका साइज हम रख देंगे 53 के आसपास या 53 या 52 के आसपास रख देना है। एंड पोजीशन की बात करें तो लास्ट वाला जो लूट का सेक्शन होता है ना, उसके आपको नीचे रखना है, उसके सीधे सीधे में कुछ यहाँ पे। एंड अगर आप बात करें लो एंड डिवाइस है तो आप यहाँ पे नीचे करके रख सकते हो। अगर आपके पास मिड एंड या हाई डिवाइस है ना, तो उसको आप थोड़ा सा ऊपर करके रख सकते हो। एंड लो एंड डिवाइस है तो मेरा सजेशन रहेगा कि आपको उसको पूरी तरह से नीचे कर देना एंड वहां पे आप उसको रख सकते हो, ठीक है। एंड इसके बाद बात करते हैं अगर स्प्रिंटिंग वाले बटन की, तो इसकी भी बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है हमको गेम खेलने के टाइम। तो इसका हम साइज करेंगे 75 के आसपास या 70 के आसपास भी आप कर सकते हो। और इसको हम नीचे कुछ इस टाइप से रख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो मैप के जस्ट नीचे कुछ इस टाइप से। मैप के साइड में आपको नहीं रखना है, मैप के ज्यादा नीचे नहीं रखना है, बस आपको थोड़ा सा साइड में रख देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे रखा हूँ। एंड इसके बाद बात करें अपना लेफ्ट वाला फायर बटन की, तो लेफ्ट फायर बटन को भी हम 70 मतलब लेफ्ट फायर बटन को भी हम 35 के आसपास करेंगे एंड इसको यहाँ पे रख देंगे कुछ इस टाइप से। एंड जॉयस्टिक का साइज हम बिल्कुल भी जीरो करके ऊपर रख देंगे एंड इसका ट्रांसपेरेंसी भी जीरो कर देंगे, क्योंकि आप कहीं भी टच करो ये इनेबल हो जाता है, ठीक है। सो आपको इतना काम करने के बाद आपका जो इंपॉर्टेंट और काम बचा है वो है हमारा ग्लू वॉल वाला बटन। तो ग्लू वॉल वाला बटन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, चाहे आप रैंक खेलो, कस्टम खेलो या टूर्नामेंट खेलो। तो आपको यहाँ पे रख देना है एंड इसको आपको कुछ इस टाइप से रखना है। एंड अपना ग्लू वॉल वाला बटन जो है ना, आपको यहाँ पे नीचे रख देना है मैप के जस्ट नीचे सीधे सीधे में। एंड ये वाला अगर बटन आपने डबल करके रखा हुआ है तो आप इसको उसके नीचे रख सकते हो ग्लू वॉल वाले बटन की। अगर आपने सिंगल रखा हुआ है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। एंड इसके बाद अगर बात करें तो हम रखने वाले हैं अपना ये वाला बटन जो है जंप वाला बटन। तो जंप वाला बटन का साइज भी हम 75 करेंगे, क्योंकि बाकी सारे बटन हमने 75 के और थंब के हिसाब से 75 एकदम बेस्ट है। तो हम 75 करके ये सेकेंड वाला लूट का जो ऑप्शन होता है उसके नीचे रख देंगे कुछ इस टाइप से। थोड़ा सा हमको ऊपर गैप छोड़ना है ताकि हम वहाँ पे अपना स्कोप वाला बटन रख सके और मूवमेंट कर सके, बाकी हमको यहीं पे रख देना है। एंड ये वाला जो बटन है सीटअप वाली बटन, इसका हम 85 करेंगे। और अगर आपको सीटअप ग्लू वॉल लगाने में प्रॉब्लम होती है तो 95 या 100 भी आप करके रख सकते हो। एंड आपको इसको ये वाली जगह पर रख देना है। इसके बाद आप स्प्रिंट वाले बटन की बात करें ना, तो आप उसको कहीं भी रख सकते हो अपने हिसाब से, वो आपकी मर्जी होगी कि आप कहाँ रखना चाहते हो। एंड इसके बाद हम इसको रखेंगे अपना जो एक्टिव स्किल वाली बटन होती है, तो उसको हम यहाँ पे कुछ इस टाइप से रख देंगे जैसे कि आप देख रहे हो, ठीक है। एक्टिव स्किल वाली बटन को आप यहाँ पे रख देना, आपके लिए एकदम बेस्ट रहेगा। स्कोप वाली बटन का साइज 60 करेंगे या 65 के आसपास करके आपको लास्ट वाला या फर्स्ट वाला लूट का सेक्शन होता है ना, वहाँ पे आपको थोड़ा सा ऊपर करके रखना है ताकि आप इसको अच्छे से कर पाओ। एंड अगर इसकी बात करें तो इसको हम 70 या 72 के आसपास करेंगे, यहाँ पे एकदम बेस्ट रहता है। तो मैं 71 या 72 के आसपास ही रखता हूँ। और इसको कुछ आपको इस टाइप से रख देना है कि आपको स्विचिंग में किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। बस स्विचिंग तो हम इस वाले बटन से करने वाले हैं, तो इस वाले बटन को हम क्या करेंगे ना कि हम देख सकते हो यहाँ पे आपको 70 या 75 के आसपास इसको रख देना है। एंड जो हमारा लेफ्ट वाला फायर बटन होता है ना, उसके साइड में रखना है, उसके नीचे आपको नहीं रख देना है, उसके साइड में आपको यहाँ पे उसके बाद नीचे करके रखना है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो साइड में करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे करके रख देना है कुछ इस टाइप से, ताकि हम सारे बटन को अच्छे से यूज कर पाए। तो इसको हम यहाँ पे रख देंगे। एंड इसके बाद जो अपना फाइनल जो आउटपुट है वो एकदम ओपी निकल के आएगा, देख सकते हो कितना ओपी लग रहा है हमारा कस्टम एचयूडी। तो ऐसे आप भी सेट कर सकते हो आपके लिए अपना कस्टम एचयूडी। बाकी जो मैंने इस वीडियो में आपको बताया, जैसा जैसा मेन बटन को आपको उस टाइप से सेट करना है, और छोटे मोटे बटन आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया कस्टम एचयूडी हो जाएगा। सो आई होप कि आपको आज का ये वाला कस्टम एचयूडी पसंद आया। अब इस कस्टम एचयूडी में आपको कम से कम 3 से 4 हफ्ते प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तभी आपका जो गेम प्ले है इस कस्टम एचयूडी के हिसाब से आपका मसल मेमोरी बैठ पाएगा। सो यस, यही था आज के इस वीडियो में। आई होप कि आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर से कर देना, चैनल पे जितने भी लोग नए आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल वाला आइकन दबा लेना। और ये कस्टम मोड आपको तभी अप्लाई करना है अगर आपके पास और कोई कस्टम एचयूडी नहीं है। तो चलो यही था आज की इस वीडियो में, मिलते हैं आपको कोई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय।